अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीचिंग विंग। इस वीडियो में हम अटेन्यूएशन रिफ्लेक्स पढ़ेंगे। हियरिंग फिजियोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अटेन्यूएशन रिफ्लेक्स का सबसे पहले हम अटेन्यूएशन का मतलब यह है कि डैम्पन का मतलब होता है डिक्रीज। जब भी हमारे पास एक्सेसिव लाउड साउंड आती है तो एक्सेसिव लाउड साउंड का मतलब क्या होता है कि उस लाउड साउंड का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि वो ऐसे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन भी बहुत ज़्यादा मूव करेगी, और इसके अलावा बेसलर मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है। बेसलर मेम्ब्रेन जो हमारे पास आर्गन ऑफ कोटाई पर लाई करती है, आर्गन ऑफ कोटाई मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो बेसलर मेम्ब्रेन के कोक्लिया के अंदर बेसलर मेम्ब्रेन के डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस डैमेज से बचाने के लिए नेचर ने हमारे लिए अटेन्यूएशन रिफ्लेक्स रखा है। अटेन्यूएशन रिफ्लेक्स तब होता है जब भी हमारे पास कोई लाउड साउंड आती है, एक्सेसिव लाउड साउंड आती है। तो हम ये देखते हैं अटेन्यूएशन रिफ्लेक्स से पहले हम थोड़ा सा मसल्स को समझते हैं, तो उसके बाद अटेन्यूएशन रिफ्लेक्स समझना बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। दो मसल्स जो अटेन्यूएशन रिफ्लेक्स में हेल्प करते हैं उनको हम समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, कौन सा मसल है, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास मेलस है, ये हमारे पास इनकस है, और ये स्टेपीज है जिसकी फुट प्लेट हमारे पास ओवल विंडो के साथ टेस्ट होती है। ठीक है, ये हमारे पास वो है टेंसर टेम्पनाई मसल है। टेंसर टेम्पनाई का मतलब ये है कि ये जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है इसको ये टेंस करके रखता है। इसका फंक्शन ये है कि इसको टेंस करेगा जब भी ये फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास मेलस इनकस स्टेपीज हो गया। ये मेलस का हमारे पास हैमर है अटैच्ड। ये मेलस का हैमर जहाँ से बिल्कुल ही उसके साथ अटैच्ड होता है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ, ये उसके साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ लिटिल बिट के मसल्स का ओरिजिन और इंसर्शन का क्या मतलब होता है। ठीक है, मसल का ओरिजिन वहाँ उसको कहेंगे जो पॉइंट उसका फिक्स्ड होगा। ठीक है, और इंसर्शन हम उसको कहेंगे जहाँ से वो बोन को मूव कर रहा होता है। तो अगर हम टेंसर टेम्पनाई को देखें तो ये यहाँ से बोन को, इसका काम ये है कि यहाँ से बोन को मूव करेगा, तो ऑब्वियसली इसका हमारे पास यहाँ क्या होगा, यहाँ इंसर्शन होगा। अगर हमारे पास इस तरह आप मतलब ओरिजिन इंसर्शन याद कर सकते हैं, भूलेंगे नहीं। दूसरी तरफ हमारे पास इंसर्शन जो होता है, ओरिजिन जो होता है वो उसका फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो ये हमारे पास इसका फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है, ये कहाँ जाके इंसर्ट करता है, तो ये हमारे पास ऑडिटरी ट्यूब में जाके हमारे पास वो करता है, और इसकी अपनी किनाल जो कि इंटीरियर वाल में बनती है। अगर हम इसको देखें कि ये हमारे पास मिडिल एयर कैविटी है, तो इसकी ये हमारे पास जिस हम लेटरली देख लें तो जो हमारे पास ये फेस कर रहा है ये हमारे पास लेटरल है, जो इसके अपोजिट होगा वो मीडियल होगा। इस तरह ये हमारे पास ये इंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर होगा, ऊपर रूफ और नीचे ही होगी रूफ बनाने को। इसके सबसे पहले हमारे पास टेंसर टेम्पनाई, अब इसका जो इंसर्शन होगा वो कहाँ होगा, ऑडिटरी किनाल जो कि हमारे इंटीरियर में है, और इसके अलावा इसकी अपनी एक किनाल बनती है, इन दोनों में इसका इंसर्शन होगा। टेंसर टेम्पनाई का फंक्शन ये है कि ये इस मेम्ब्रेन को थोड़ा सा यानी कि फॉरवर्ड हम कह सकते हैं अंदर की तरफ, यानी कि एयर में अंदर की तरफ मेम्ब्रेन को इसका फंक्शन ये है कि मूव करेगा। वैसे मेम्ब्रेन जो है, अगर मेम्ब्रेन मतलब थोड़ी सी ढीली है तो वो हमारे पास ज़्यादा आगे और पीछे मूव कर सकती है, यानी एम्पलीट्यूड उसका ज़्यादा होगा। एज़ कम्पेयर टू द मेम्ब्रेन अगर टेंस है तो उसका एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि डैमेज होने के चांस नहीं होगा, इसलिए टेंस करके रखता है। दूसरी तरफ हमारे पास स्टेपीडियस का क्या फंक्शन है, स्टेपीडियस का अब इसका भी इंसर्शन वही होगा जहाँ से बोन को मूव कर रहा होगा, सॉरी। तो इसका इंसर्शन जो है, ये हमारे पास जो स्टेपीडियस है, स्टेपीज बोन है, इसका फुट प्लेट है और ये इसका हेड है, तो इसका इंसर्शन हेड के साथ होता है। इसका फंक्शन ये है कि ये भी अपने ओरिजिन की तरफ मूव करेगा। इसका ओरिजिन क्या है, हमारे पास ये चूंकि पेट्रस पार्ट होती है पोस्टीरियर वॉल के साथ, पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन होता है, तो उसमें एक पायरामिड होता है, इसका ओरिजिन जो होता है वो पायरामिड के साथ है। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड यानी बैकवर्ड मूव करेगा। ठीक है, इसको हम फॉरवर्ड इसलिए कह रहे हैं कि हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, यानी इनवर्ड हम जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस की हमारे पास डायरेक्शन ये है, इसलिए हम इसको फॉरवर्ड कहेंगे। तो ये हमारे पास बैकवर्ड मूव करेगा। टेंसर टेम्पनाई की नर्व सप्लाई हमारे पास V3 है। V3 का मतलब होता है फिफ्थ क्रैनियल नर्व और उसकी थर्ड ब्रांच। फिफ्थ क्रैनियल ट्राइजेमिनल नर्व है और उसकी थर्ड ब्रांच मैंडिबुलर ड्वीन की ब्रांच होगी इसको। ठीक है, ये हमारे पास फेशियल नर्व है, ये थोड़ा सा मैंने बता दिया। अब आपको ये समझ आ गई है कि ये किस तरह, अच्छा ये स्टेपीज को थोड़ा सा इधर मूव करके रखेगा ताकि बोन की रिजिडिटी ज़्यादा होगी। जब बोन की रिजिडिटी ज़्यादा होगी तो इसकी इंटेंसिटी हमारे पास कम हो जाएगी आगे, यानी फुट प्लेट को इधर करके रख रहा है ना, तो फुट प्लेट टैपिंग कम करेगा। अब इस पर जब टैपिंग कम करेगा तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा और आगे कोक्लियर डैमेज के चांसेस, बेसलर मेम्ब्रेन के डैमेज के चांसेस
कम होंगे तो इसे हम एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स कहते हैं। एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स को अगर हम कोई ऐसी क्यूज़ में आता है तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसे जब भी आता है तो हम इसे उसमें लिखते होते हैं, फ्लो चार्ट में लिखते हैं। मैं भी हमेशा फ़्लो चार्ट में लिखता आया हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, लाउड साउंड आइए, ठीक है। लाउड साउंड क्या होता है, एकदम से ओसिकुलर सिस्टम से, ओसिकुलर सिस्टम से पास होती हुई हमारे पास नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचेगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे पास ये एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे पास 40 to 80 मिली सेकेंड है उसका पास होता है, और उसके बाद एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स। एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स क्या है, एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स बदले में यह होता है कि वो दोनों जो स्टेपीडियस और जो हमारे पास टेंसर टेम्पना है इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। दिस ऑल इज दिस अबाउट टेंसर टेम्पना एंड स्टेपीडियस मसल के, वो कॉन्ट्रैक्शन होगी और कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। इसमें आप स्टेपीडियस और टेंसर टेम्पना लिख देंगे, मेरे इधर शॉर्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको सारा समझा दिया, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी बैकवर्ड, और मतलब इसकी व्यू कम हो जाएगी, और सारा हमारे पास क्या होगा, इंटेंसिटी हमारे पास जो लाउड साउंड की इंटेंसिटी होगी, जो लो फ्रिक्वेंसी साउंड होती हैं और लाउड साउंड होती हैं उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से हम लाउड साउंड हमारे पास मास्क हो जाएंगी और बैकग्राउंड साउंड हमारे पास मास्क हो जाएगी, यानी मास्किंग कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब मैं एक सेकंड आपको वो बता रहा हूँ, इसके फंक्शंस एक उसमें बता रहा हूँ, तो एक सेकंड। रिफ्लेक्स छोटा सा टॉपिक था जो हमारे पास हो गया, अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस क्या क्या हैं, सबसे पहले हमने बता दिया है कि ये प्रोटेक्ट कोक्लियर डैमेज, ठीक है, कोक्लियर डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी साउंड, जो हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी साउंड जो होती हैं उनकी इंटेंसिटी को डिक्रीज़ करता है, यानी डिक्रीजेज द इंटेंसिटी। तीसरा फंक्शन हमारा ये है कि ये बैकग्राउंड साउंड जितनी भी होती हैं उनको मास्क करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्टेपीडियस और टेंसर टेम्पनाई का फंक्शन एक ये भी है कि ये हमारे पास जो हमारी अपनी, जब हम बहुत ज़्यादा किसी पे आवाज़ दे रहे होते हैं और हमारी अपनी साउंड की सेंसिटिविटी को डिक्रीज़ करता है, यानी डिक्रीजेज साउंड सेंसिटिविटी ऑफ समवंस ओन्स, ठीक है, साउंड सेंसिटिविटी ऑफ समवंस ओन्स, यानी अपनी साउंड की इंटेंसिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं कि बोन के बारे में कहते हैं कि हमारे पास जो स्कल की बोन होती हैं उनसे भी हमारे पास साउंड की ट्रांसमिशन हो सकती है, ठीक है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। साउंड की ट्रांसमिशन वो गाइटन में भी लिखा हुआ है कि हमारे पास जो जितनी भी, चूँकि हमारे पास आपने पढ़ा है कि ये जो दोनों होते हैं, कोक्लिया होता है बोनी लेबरम जो लाई करता है, ये हमारे पास पेट्रस बोन जो होती है उसी का एक पार्ट होता है, ठीक है, पेट्रस पार्ट होता है। तो हमारे पास स्कल की कोई भी बोन अगर वाइब्रेट हो, अगर हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क हो या कोई भी ऐसी डिवाइस हो, वाइब्रेटरी डिवाइस हो, तो अगर हम इतना वाइब्रेट कर सकें तो हमारे पास हेयरिंग इम्पल्स जनरेट होगी। लेकिन उसके लिए हमारे पास स्कल में उसके लिए हमारे पास इतनी नॉर्मल हमारी जो वॉइसेस होती हैं हमारे पास बोन्स को इतना वाइब्रेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारे पास वो जो साउंड्स होती हैं वो इतना इम्पल्स नहीं हो सकती। लेकिन हमारे पास अगर कोई भी वाइब्रेटर हो तो किसी भी बोन के प्रोट्रूबरेंस में अगर हम ट्यूनिंग फोर्क रखें या कुछ भी रखें तो हमारे पास हेयरिंग इम्पल्स जनरेट होगी। ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।